नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश के अमरोहा जनपद की गजरौला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो सातरी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर तीन थाना क्षेत्रों में हथियार के बल पर लूट का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर दोनों को घायल किया है और दोनों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि इस पूरे मामले में एक दरोगा और सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम क्षेत्र में आज बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मामले में अधीक्षक सुनीति ने बताया कि कुछ दिन पहले अमरोहा जनपद के तीन थाना क्षेत्रों में गजरौला, हसनपुर और सैद नगली क्षेत्र में दिनदहाड़े दो हथियारबंद बदमाशों ने डेयरी संचालक सहित अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दिनदहाड़े तीन इलाकों में हुई लूट के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा था, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी। आज गजरौला थाना पुलिस को इन बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई। गजरौला पुलिस ने तिंगरी गंगाधाम क्षेत्र में मुखबिर से सूचना के आधार पर दोनों बदमाशों से मुठभेड़ की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, दोनों घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया। इस पूरे मामले में मुठभेड़ के दौरान दरोगा और एक सिपाही को गोली भी लगी है। ये जो मैडम मुठभेड़ हुई है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, आज जनपद में कुछ संदिग्ध वाहन की चेकिंग हो रही थी और उसी क्रम में एक सूचना थी कि पूर्व में जो हमारे यहाँ गजरौला क्षेत्र में और गजरौला के साथ साथ हसनपुर और सैदगली में भी लूट की वारदात हुई थी, एक साथ तीन लूट की वारदात हुई थी, उस क्रम के भी कुछ अपराधियों को यहाँ पर देखा गया है। तो जनपद में पूरा अलर्ट था। तो ये बाइक पे दो लड़के थे जो 83 के आसपास एक बार पुलिस को देख कर बड़ी संदिग्ध अवस्था में वहाँ से भागे। उसी समय देखा गया, नोटिस किया गया, इनके पास असला भी है और पूरे जनपद में तत्काल सबको अलर्ट पे करके एक टीम इनके पीछे ही लग गई थी। यहाँ गजरौला के आसपास उनको घेरा गया और उस घेराबंदी के तहत एक मुठभेड़ हुई यहाँ काकाठेर और तिगड़ी के बीच में, जिसमें दो अपराधी गिरफ्त में आए हैं। मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी है, एक का नाम दिलशाद बताया जा रहा है, दूसरे का रजा मोहम्मद। मूल रूप से दोनों हापुड़ के रहने वाले हैं, बाकी बैकग्राउंड हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। उसी मुठभेड़ में दो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और तत्काल सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। क्या इनको कोई इनाम भी है? हाँ, जो दो अभियुक्त हैं ये 25,000 रुपए का इनाम है। मैम, अमरोहा जनपद में कितने अपराधी कोई पिछले मुकदमे लिखे हैं? देखिए, अभी हम लोग डिटेल निकलवा रहे हैं, जो हमको पता चल रहा है इसमें से एक रजा मोहम्मद है, जिसपे करीब 25-30 मुकदमे बताए जा रहे हैं, अभी हम लोग तस्दीक करा रहे हैं। मैं क्लियर कर ठीक। थैंक यू।